केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश कर दिया है। कृषि क्षेत्र के लिए इस बार सरकार ने कई बड़े ऐलान किए हैं। सरकार ने इस साल किसानों को 20 लाख करोड़ तक ऋण बांटने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न योजना की शुरुआत भी की है। तो आइए जानते हैं कि इस बार के बजट में कृषि क्षेत्र के लिए क्या क्या घोषणाएं हुई हैं, वित्त मंत्री ने क्या क्या कहा है। दरअसल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कई बिंदुओं पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि इस बजट में सप्तऋषि की तरह 7 प्राथमिकताएं हैं। पहली है समग्र विकास। ये विकास किसान, महिलाएं, ओबीसी, एससी एसटी, दिव्यांगजन, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को तक पहुंचाना है। वंचितों को वरीयता मिलनी चाहिए। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पूर्वोत्तर का भी ध्यान रखा गया है। इसी प्राथमिकता के तहत कृषि के लिए डिजिटल लोक अधोसंरचना का निर्माण होगा। इससे किसानों को खेती की योजना बनाने, बीमा, कर्ज, मार्केट इंटेलिजेंस, स्टार्टअप और कृषि आधारित उद्योगों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। उत्पादन क्षमता और लाभ कमाने की क्षमता भी बढ़ेगी। किसान, सरकार और उद्योगों के बीच समन्वय बढ़ेगा। इसके लिए एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड भी बनाया जाएगा ताकि कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा मिल सके। इससे आधुनिक तकनीक को भी बढ़ावा मिल सकेगा। उन्होंने आगे मोटे अनाज को लेकर भी बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा कि मोटे अनाज, जिसे श्री अन्न भी कहते हैं, इसे भी बढ़ावा दिया जा रहा है। हम दुनिया में श्री अन्न के सबसे बड़े उत्पादक और दूसरे सबसे बड़े निर्यातक हैं। छोटे किसानों ने नागरिकों की सेहत को मजबूत करने के लिए श्री अन्न उगाया है और बड़ी भूमिका भी निभाई है। सरकार कपास की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देगी। इससे किसानों को, सरकार और उद्योगों को साथ लाने में मदद मिलेगी। अब चलिए आपको बताते हैं कि कृषि क्षेत्र में क्या क्या घोषणाएं हुई हैं। सबसे पहली घोषणा यह है कि 20 लाख का क्रेडिट कार्ड दिया गया है। केंद्र सरकार ने किसानों की सहूलियत के लिए ऋण का दायरा बढ़ा दिया है। इस साल 20 लाख करोड़ तक किसानों को क्रेडिट कार्ड के जरिए ऋण बांटने का लक्ष्य रखा गया है। इससे लाखों किसानों को फायदा होगा। दूसरा ये घोषणा किया गया कि किसान डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। किसानों के लिए अब किसान डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा। यहाँ किसानों के लिए उनकी ज़रूरत के हिसाब से जुड़ी सारी जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाएंगी। तीसरी घोषणा ये है कि एग्रीकल्चर स्टार्टअप को बढ़ावा मिलना। केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप शुरू करवाने पर भी फोकस किया है। कृषि स्टार्टअप के लिए डिजिटल एक्सीलेटर फंड बनेगा, जिसे कृषि निधि का नाम दिया गया है। इसके जरिए कृषि के क्षेत्र में स्टार्टअप शुरू करने वालों को सरकार की तरफ से मदद दी जाएगी। चौथी बड़ी घोषणा यह है कि मोटे अनाज को बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने इस बार मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए अलग से योजना की शुरुआत की है और इसे श्री अन्न योजना का नाम दिया है। इसके जरिए देश भर में मोटे अनाज के उत्पादन और उसकी खपत को बढ़ावा दिया जाएगा। पांचवा महत्वपूर्ण घोषणा यह किया गया कि बागवानी के लिए क्या क्या है। इसमें सरकार ने इस बजट में बागवानी की उपज के लिए 2200 करोड़ की राशि आवंटित की है। इसके जरिए बागवानी को बढ़ावा देने का भी फैसला किया गया है। छठी घोषणा ये है कि मछली पालन को भी बढ़ावा मिलेगा। केंद्र सरकार ने मत्स्य संपदा की नई उपयोजना में 6000 करोड़ के निवेश का फैसला किया है और इसके जरिए मछुआरों को बीमा कवर, वित्तीय सहायता और किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। इसका उद्देश्य ग्रामीण संसाधनों का उपयोग करके ग्रामीण विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ावा देना है। सातवीं घोषणा जो है वो ये है कि सहकारी समितियों और प्राथमिक मत्स्य समितियों और डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना होगी। 2516 करोड़ रुपए के निवेश से 63,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का कंप्यूटरीकरण किया जाएगा और इसके लिए राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार किया जा रहा है और इसके साथ ही बड़े पैमाने पर विकेंद्रीकृत भंडारण क्षमता स्थापित की जाएगी। इससे किसानों को अपनी उपज को स्टोर करने और अपनी उपज के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी। सरकार अगले 5 वर्षों में वंचित गांवों में बड़ी संख्या में सहकारी समितियों, प्राथमिक मत्स्य समितियों और डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना करेगी। आठवीं घोषणा ये है कि प्राकृतिक खेती के लिए सरकार द्वारा मदद मिलेगी। सरकार अगले 3 सालों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए मदद मुहैया कराएगी। देश में 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
इसी के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान किया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP का पैसा सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। इससे पहले MSP का पैसा किसानों तक मंडियों और आढ़तियों के जरिए पहुंचता था। सरकार का दावा था कि इस फैसले से भ्रष्टाचार रोकने में मदद मिलेगी, इसका सीधा फायदा किसानों को मिलेगा और पिछले साल मध्य नवंबर तक के आंकड़ों के अनुसार खरीफ विपणन सत्र यानी 2022-23 खरीफ फसल के लिए 231 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हुई और इसकी तुलना में पिछले साल की इसी अवधि में लगभग 228 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी गई थी। सरकार की माने तो खरीद से लगभग 47,644 करोड़ रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य के भुगतान के साथ 13,50,000 से ज्यादा किसान लाभान्वित हुए हैं। और वहीं MSP से वृद्धि की बात की जाए तो अक्टूबर 2022 में कैबिनेट ने विपणन सीजन 2023-24 के लिए सभी रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को स्वीकृति दी थी और इसमें रबी फसलों के विपणन सीजन 2023-24 के लिए MSP में वृद्धि की गई थी। मसूर के लिए 500 रुपये प्रति क्विंटल और इसके बाद सफ़ेद सरसों और सरसों के लिए 400 रुपये प्रति क्विंटल MSP में पूर्ण रूप से उच्चतम वृद्धि को मंजूरी दी गई थी। कुसुम्भ के लिए 209 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि को मंजूरी दी गई थी। गेहूं, चना और जौ के लिए क्रमशः 110 रुपये प्रति क्विंटल और 100 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि को मंजूरी दी गई थी। भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण 2022-23 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि सरकार ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने का काम करेगी। कहा गया था कि सरकार के इस फैसले से जैविक खेती करने वाले किसानों को काफी लाभ मिलेगा। बजट 2022 में इस बात का ऐलान किया गया था कि किसानों की खेती की जमीन का डिजिटलीकरण भी होगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत भूमि संसाधन विभाग द्वारा 2022 में जारी किए गए आंकड़े के अनुसार देश के 94% से ज्यादा गांवों में भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण पूरा हो चुका है। अपने सालाना विवरण में विभाग ने बताया था कि 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पंजीकरण का कंप्यूटरीकरण का काम 93% से ज्यादा हो चुका है और इसके अलावा 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भूमि अभिलेखों के साथ उप पंजीयन कार्यालयों यानी SRO के एकीकरण का काम भी 75% से ज्यादा हो चुका है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 70% से ज्यादा भूकर संबंधित मानचित्रों का डिजिटलीकरण भी कर दिया गया है और इसके अलावा सरकार ने राज्य सरकार के साथ मिलकर उन किसानों की भी मदद करने का ऐलान किया था जो कि फलों और सब्जियों की उन्नत किस्म की खेती करते हैं। इसके अलावा किसानों को डिजिटल सर्विस के अंतर्गत खाद, बीज, दवाई, दस्तावेज आदि से संबंधित सेवाएं मुहैया कराए जाने की भी घोषणा की थी। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।